फ्रेंड्स, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक. सो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पर बना दिया है. तो आपको एक बार जस्ट डायग्राम देखने से ही क्लियर हो रहा होगा. आपको जस्ट क्या करना है, ये वीडियो पूरे एंड तक देखना है. आप ये वीडियो जैसे एंड तक देखेंगे, सिर्फ मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी और आपको वीडियो के साथ साथ ही ये पूरा लर्न हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी है और उन लेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज लेयर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर. दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. अ फर्दर रीजन beginning about 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज एक्सोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम बाह्यमंडल भी बोलते हैं. द ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, द पार्ट वी लिव इन इट. इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर्स लाइक क्लाउड, रेन्स, स्मोक एटसेट्रा. In this part of the atmosphere, temperature gets colder as the distance about the earth increases by about 6.5 degrees Celsius per kilometer. Here you can see, यहाँ पे मैंने अर्थ को ड्रॉ किया है. अर्थ की जो सबसे ऊपर जो सबसे पहले वाली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है शोभ मंडल. इसकी जो हाइट होती है वो होती है 18 किलोमीटर तक होती है, और इसका हिंदी में एक और नाम होता है जिसे संवहन मंडल भी बोला जाता है. अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय घटनाएं लाइक रेन होती है, क्लाउड्स होते हैं, स्मोक होता है, तो ये सभी घटनाएं इसमें होती है. नेक्स्ट, जो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है. ये वाली जो लेयर है, इसमें जो डेंसिटी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है. बाकी जैसे जैसे हम ऊपर वाली लेयर में जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कौन सी लेयर में होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन, देन यू कैन नोट इट डाउन. ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी लेयर में होता है, ये होता है हमारी ट्रोपोस्फेयर में. नाउ नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. दिस एक्सटेंड अपवर्ड्स फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू अबाउट 50 किलोमीटर. इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन लेयर in the atmosphere. The increase in the temperature with height occurs because of the absorption of ultraviolet radiations from the sun by this ozone layer. Temperature in the stratosphere are highest over the summer pole and lowest over the winter pole. By absorbing dangerous ultraviolet radiation, the ozone in the stratosphere protects us from the skin cancer and other health damage. However, chemicals like CFC, chlorofluorocarbon, which was once used in refrigerators, spray cans and fire extinguishers, have reduced the amount of ozone layer in the stratosphere, particularly at polar latitudes, leading the so-called Antarctic ozone hole. Ozone hole, जिसके बारे में आपने सुना होगा, समताप मंडल, जिसको हिंदी में बोला जाता है समताप मंडल. एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको बताई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो हमें बचाती है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर को क्या हो रहा है, बहुत ही नुकसान हो रहा है. जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में पहले यूज की जाती थी, स्प्रे कैंस में यूज की जाती थी, आजकल तो इसका यूज होना बंद हो गया है. और इसमें क्या है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती. जैसे ट्रोपोस्फेयर में देखा था हमने, इसमें क्लाउड्स, रेन वगैरह होते, तो इसमें जैसी ट्रोपोस्फेयर में घटनाएं होती है वो यहाँ पर नहीं होती. और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने एक एरोप्लेन ड्रॉ किया है, तो ये एरोप्लेन ऐसे ही ड्रॉ नहीं किया है, इसका भी एक रीजन है. तो मैं आपको बताना चाहती थी कि जो ये सेकंड वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो 50 किलोमीटर तक होती है, 50 किलोमीटर मींस अर्थ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी, ये 50 किलोमीटर है. इसी लेयर में जो है वो क्या होते हैं, एरोप्लेन चलते हैं. तो कई बार आपसे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर में, एटमोस्फेयर की कौन सी लेयर में जो है एरोप्लेन चलते हैं, तो वो कौन सी लेयर होगी, वो हमारी होगी स्ट्रेटोस्फेयर, वो हमारी होगी स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इन दिस
layer there is ozone layer. In the stratosphere there is ozone layer which is very important for us. और जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज डॉप्सन. उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है. उसको किससे मेजर किया जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है, डॉप्सन में. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है उसको किस में मेजर किया जाता है, डॉप्सन में मेजर किया जाता है. सो दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर. ये आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेटोस्फेयर, या आपको एरोप्लेन क्लियर हो गया कि मैंने एरोप्लेन क्यों ड्रॉ किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसी लेयर में एरोप्लेन चलते हैं. तो आई थिंक आपको ये डायग्राम देखकर और एक्सप्लेनेशन सुनकर ये दोनों लेयर्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी. अब चलते हैं हमारी थर्ड लेयर, दैट इज मेसोस्फेयर. द मेसोस्फेयर, द रीजन अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर. हियर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद हाइट, रीचिंग मिनिमम -90°C. यानी कि मेसोस्फेयर में जो टेम्परेचर डिक्रीज होके जाता है वो -90°C तक चला जाता है. थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर and is a region in which the temperature again increase with height. The temperature increase is caused by the absorption of energetic ultraviolet and X-rays radiations from the sun. Here you can see in the thermosphere or ionospheres, यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो होता है रेडियो तरंगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करती है ये वाली लेयर. और इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक है, 80 to 640 km तक क्या होती है इसकी हाइट होती है, 80 to 640 km तक इसकी हाइट होती है. द एक्सोस्फेयर, द रीजन About 500 किलोमीटर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर. इट कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, बट देर आर सो फ्यू ऑफ देम दैट दे रियली कोलाइड. सो दिस इज एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल, जो हमारे एटमोस्फेयर का सबसे जो लास्ट वाला जो लेयर है दैट इज एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल. तो आई थिंक अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा. दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, और ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स आपको दिखा रखी है. जो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, हाइट है 18 किलोमीटर अप टू 18 किलोमीटर. सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर, एंड द थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर अप टू 80 किलोमीटर, एंड द फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर, हाइट अप टू 80 to 640 किलोमीटर, एंड देन एक्सोस्फेयर जिसको हम हिंदी में बाह्यमंडल बोलते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर.